दरभंगा में वज्रपात से दो महिला झुलसी, गंभीर हालत में एक महिला को किया गया डीएमसीएच रेफर, दूसरे की हालत में सुधार। सीतामढ़ी के मिर्जापुर पंचायत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़, प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह गायब। अररिया के सीमाई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, नेपाल में भारी बारिश के कारण घुसा पानी, कोसी बैराज के 42 फाटक खोले गए। मुजफ्फरपुर मतदान केंद्रों पर प्रत्याशी समर्थकों की दबंगई, मसूरी प्रखंड के रामदयालु में बूथों पर हंगामा, पुलिस ने पहुंचकर खदेड़ा। रोहतास में पेड़ से टकराई स्कूल बस, 6 बच्चे घायल, संतुलन खोकर चालक ने पेड़ में मारी टक्कर, घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती। ट्रेन के डिब्बे में की वोटिंग, रोहतास में मिडिल स्कूल के क्लासरूम को ट्रेन कंपार्टमेंट का दिया रूप, वोटर्स ने खूब ली सेल्फी। कटिहार में बूथ में टेबल कुर्सी तक नहीं, फर्श पर ईवीएम रखकर कराई जा रही वोटिंग। बघा में वोट देने गए रिटायर्ड होमगार्ड जवान की बूथ पर मौत, अंगुली पर स्याही लगवाकर जैसे वोट डालने बढ़े बेहोश होकर गिर गए। 10वीं बोले खेला हो जाएगा, तारापुर में नेता प्रतिपक्ष ने कहा दोनों सीटें आरजेडी की झोली में डाल दे तो खेला हो जाएगा। टावर में लगी आग से मची अफरा तफरी, पटना के कदम कुआं में मकान की छत पर बने टावर में लगी आग, 5 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुजफ्फरपुर में ट्रक ने स्कूल बस को मारी टक्कर, चांदनी चौक पर हुआ हादसा, बस चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक फरार। पटना के 476 बूथों पर मतदान, बीटा और दुल्हिन बाजार में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, 2 आदर्श मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग। शराब का भोज खाकर लौटे लोग बीमार, मुजफ्फरपुर में एक ही गांव के करीब 20 बच्चे समेत 30 लोग बीमार, एक बच्चे ने तोड़ा दम। नगर निगम की राजनीति, पटना से कानूनी सलाह लेकर लौटे मेयर सुरेश कुमार, विपक्षी खेमे के पार्षदों ने 29 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की तिथि निर्धारित की है। मुजफ्फरपुर में धरने से बेचे जाते हैं मिलावटी खाद्य पदार्थ, सैंपल लेकर कर दी जाती है खानापूरी, सिर्फ होली दिवाली में मिलावट की जांच करने निकलते हैं अधिकारी, 10 वर्षों में महज 3 को जुर्माना।